उमेद सिंह अपनी रसोई में प्रयोग होने वाली हल्दी घर पर ही उगाते हैं इनके किचन गार्डन में थोड़ी सी जगह में इतनी हल्दी हो जाती है कि पूरे साल इनके रसोई की जरूरत पूरी हो जाती है उमेद सिंह किचन गार्डनिंग के एक्सपर्ट हैं और ये पिछले दस सालों से किचन गार्डनिंग कर रहे हैं इस फिल्म में उमेद सिंह आपको बताएंगे कि हल्दी कब लगती है कैसे लगती है और इसकी देखभाल कैसे की जाती है फिल्म अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरा नाम उमेद सिंह है मैं पिछले तीन साल से हल्दी की फसल लगा रहा हूं अपनी छत पे मैं ड्रमों में हल्दी लगाता हूं 200 लीटर के ड्रम को बीच में से काट के लंबाई में काट लेते हैं जिसकी गहराई एक फिट के करीब करीब रह जाती है उसके अंदर हम हल्दी लगाते हैं इतनी हल्दी से मेरा काम चल जाता है कि मैं पूरा एक साल तक अपनी हल्दी घर में यूज़ कर सकता हूँ और कुछ मेरे पास स्पेयर हो जाती है तो मैं अपने मित्रों को मिलने जुलने वालों को उनको गिफ्ट भी कर देता हूँ ये हल्दी हमने पंद्रह अप्रैल को लगाई थी और ये इसकी हाइट इस बार इतनी अच्छी हो गई है कि ये पाँच फीट से साढ़े पाँच फीट तक की हाइट है इस हल्दी के पौधे की जो कि मेरे लिए एक आश्चर्य की बात है इसका बीज हमने यूपी से मंगवाया था भारत भूषण तागी जी के फार्म से जिनको अभी इसी सीज़न में पदम श्री भी मिला है तो उनकी हल्दी का बीज इतना अच्छा है कि इतनी हाइट में देख के खुद हैरान हो कि भाई पाँच फिट से छः फिट तक इस पौधे की हाइट चली गई है अमूमन हम तीन से चार फीट तक की हाइट हमारी हुआ करती थी लेकिन इस बार इस बीज की खासियत लगा लो या उनकी मेहनत का नतीजा लगा लो कि हमें बहुत ही बढ़िया वैरायटी का बीज मिला है हल्दी का इसको मैं खुद आप अपने आगे के लिए स्टोर करके रखूँगा कुछ इसके कंध में बचा के रखूँगा अप्रैल में दोबारा लगाने के लिए अपने एरिया में हल्दी अप्रैल से मई पंद्रह अप्रैल से पंद्रह मई तक लगाने का बढ़िया सीज़न रहता है उसके बाद आपकी ये नवंबर के आखिर से दिसंबर में जब सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो ये सूख जाती है इसके पत्ते अभी थोड़े थोड़े पीले होने शुरू हो गए हैं और ये नवंबर एंड या पंद्रह दिसंबर तक बिल्कुल पीली हो जाएगी उसके बाद हम इसमें पानी देना बंद कर देंगे और इसके हार्वेस्टिंग कर लेंगे अगर आपके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए और आप फिर भी पानी दे रहे हो तो आपकी हल्दी के कंद खराब होने की संभावना रहती है इसलिए आपको जैसे ही पत्ते पीले होना स्टार्ट हो उस टाइम पानी रोक देना चाहिए हल्दी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होगी उस टाइम क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका होता है वैसे ही नमी रहती है इसके अंदर और गांठ वाले पौधों को या सब्जियों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती इस हल्दी की एक खासियत ये भी है कि हम इसको निकाल के पाउडर बना के अपनी रसोई में या कहीं भी छोड़ देते हैं तो पूरा कमरे में हल्दी की महक महसूस होती है कि भाई कुछ रखा हुआ है कई बार तो मिलने जुलने वाले आके मतलब रिक्वेस्ट करते कि हमें वही हल्दी चाहिए जो पिछले साल आपने दी थी लगाने के लिए आप जो कच्ची हल्दी आती है जिसके गांठें आती हैं आप उसको अपनी खाद और मिट्टी का जो सोयल मिक्सचर है वो तैयार करके उसके अंदर आप लगा सकते हो छः छः इंच के गैप पे चार से छः इंच के गैप पे आप हल्दी का एक एक गांठ लगा सकते हो जिस कल्ले फूट आएंगे और उसके बाद वो अपने आप झाड़ का रूप ले लेगा जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही हल्दी आपको ज़्यादा मिलेगी पौधे से पौधे स्वस्थ रखने के लिए आपको हल्दी लगाने के बाद पचास दिन के बाद दोबारा से खाद और मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी एक बार जड़ों में उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है मिट्टी आप वैसे चढ़ा सकते हो जैसे हम आलू पे चढ़ाते हैं उसी तरह से हल्दी के ऊपर भी चढ़ेगी एक बार खाद जरूर डालना पड़ेगा पैंतालीस से पचास दिन के गैप पे उसके बाद आपको सिर्फ़ इस पर कोई रोग नहीं लगता कोई मच्छर मक्खी कीट का प्रकोप इस पर नहीं आता इसमें सिर्फ गर्मी के मौसम में ये पत्ते जलने की समस्या आती है उसके लिए आप या तो थोड़ा सा छाया का प्रबंध कर सकते हो ग्रीट नेट लगा सकते हो या और कोई बचाव का तरीका हो तो लगा सकते हो हल्दी छाया में भी आसानी से हो जाती है कोई समस्या नहीं है इसके अंदर इस तरह से आपको पूरे चार से पाँच ड्रम के अंदर आपको पूरे एक परिवार के लिए पूरा साल हल्दी की फसल आपको मिल जाएगी आप उसको कच्ची हल्दी में भी यूज़ कर सकते हो पाउडर बना के सुखा के भी यूज़ कर सकते हो हम दोनों तरह ही यूज़ करते हैं जब तक वो ताज़ा रहती है दो तीन महीने तो हम उसको कच्ची हल्दी कोई सब्ज़ी में भी डालते हैं उसकी सब्ज़ी भी बन जाती है और उसके बाद पाउडर बना लेते हैं कुछ बीज हम अपना बचा के रखते हैं अगले सीज़न में लगाने के लिए अगर किसी मित्र को चाहिए तो हम उपलब्ध करवा सकते हैं उनके लिए उनको कितने भी मात्रा में चाहिए हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें